कर्नाटक जल रहा है और आने वाले समय में हालात कुछ बंगाल जैसे होंगे, ये कहना है कर्नाटक में हिंदूवादी संगठनों का। हाल ही में कर्नाटक में जैन मुनि के 36 टुकड़े कर दिए गए। हत्या के बाद आरोपियों ने उनके शव के टुकड़े करके बोरवेल में फेंक दिया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने कर्नाटक सरकार को तगड़ा लताड़ दिया और जैन मुनि लोकेश कुमार ने लोगों को जागने का आह्वान किया। कर्नाटक सरकार को जवाबी से कार्रवाई कर पाती या कुछ कह पाते, उसी बीच एक और सनसनी खबर कर्नाटक से मिली। कर्नाटक के मैसूर में हनुमान जयंती के मौके पर हिंदूवादी संगठन के एक मेंबर की चाकू घोप कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उन पर बोतलों से वार किए। युवा ब्रिगेड ने कांग्रेस समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक जल रहा है और जल्द ही बंगाल जैसे हालात होंगे। पुलिस के मुताबिक टी नरसिंहपुरा में हनुमान जयंती के मौके पर हिंदूवादी संगठनों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। यहां दो गुटों में किसी बात को लेकर बहस हो गई। हालांकि लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर मामला सुलझा दिया। इस घटना के बाद रात वेणुगोपाल नायक, जिनकी उम्र 32 साल बताई जा रही है, उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और उन पर टूटी हुई बोतलों से वार भी किया। फिर हमलावरों ने चाकू घोप कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले पर युवा ब्रिगेड के प्रमुख सुलीबेले चक्रवर्ती ने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के दूसरे कार्यकाल में कर्नाटक जल रहा है। कल कांग्रेस समर्थकों ने हमारे एक स्वयं सेवक की हत्या कर दी, क्योंकि उसने हनुमान जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। अगर स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ भी पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति होगी। जैन मुनि की हत्या के बाद लोकेश कुमार ने भी आह्वान किया तो अब हिंदू संगठनों ने भी कर्नाटक सरकार पर बड़े लांछन उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक जल रहा है और आने वाले समय में बंगाल जैसी स्थिति होगी। अब इस पर कर्नाटक सरकार क्या कुछ कहती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।